छप्पन चटकारे है यार, लिप्स स्मैकिंग है, डेलिशियस है, एक से बढ़कर एक है यार, हर पल हर दिन नया नया ये स्वाद का सफर, मारा जायके का सफर, मारा जायके का सफर, मारा जायके का सफर, मारा जायके का सफर। अदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हम सफर, नमस्कार, वेलकम टू धारा जायके का सफर। टुडे वी आर टेकिंग यू टू द गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान, द सिटी ऑफ येलो सैंडस्टोन, जैसलमेर। फाउंडेड इन 1155 AD बाय महाराजा जैसल, द सिटी ड्रॉज इट्स नेम ऑब्वियसली फ्रॉम महाराजा जैसल and Mer meaning hilltop. Jaisalmer is a unique fort because it's the only fort in India where still 3,000 people live inside it. It has a beautiful amalgamation of Hindu and Muslim architecture. The Hindu architecture can be seen in the Jain temples and the Muslim architecture is reflected from the very well-carved havelis. जायके के इस सफर में आइए आज हम चलते हैं पैलेस ऑन व्हील्स के चौथे डेस्टिनेशन पर, सोने से जड़ा स्वाद और सुर यानी सपनों का सुनहरा शहर जैसलमेर, द गोल्डन सिटी विद अ गोल्डन कल्चर। इतिहास के पन्नों ने जैसलमेर की संस्कृति को सुनहरे रंग से रंग दिया है और आज जैसलमेर अपने इसी रंग के कारण एक सुनहरी कविता बन गया है जिसको सुनने और देखने के लिए भारतीय ही नहीं विदेशी पर्यटक भी आकर्षित हो रहे हैं। सुर और धुन के साथ साथ फॉरेनर्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है यहाँ का जायका। तो आइए जायके के इस सफर में हम और आप चखते हैं स्वाद जैसलमेर के जायके का। A land with a golden canopy and a land with a golden culture. जी हाँ, ये है जैसलमेर की संस्कृति का सुनहरा रंग। जैसलमेर की सुंदरता को देखकर तो ऐसा लगता है मानो सूरज ने यहीं पर घर बसा लिया हो। सुनहरी किरणों के प्रकाश से यहाँ के आर्किटेक्चुरल मॉन्यूमेंट्स ही नहीं बल्कि यहाँ के जायके भी चमक उठते हैं और शायद इसीलिए जैसलमेर से शुरू होता है सुनहरे खानों का एक सुनहरा सफर और जैसलमेर की संस्कृति का सुनहरा रंग। जैसलमेर की सुबह किले के सामने धनराजमण मल की दुकान से आती खुशबू से शुरू होती है जहां बनते हैं पंचधारी लड्डू। पंचधारी यानी कि पांच चीजों के मेल से बनने वाले लड्डू, ये बनते हैं मावा, मैदा, मूंग की दाल, चीनी और घी से। धनराजमण मल की दुकान 100 साल पुरानी है। पहले बुलिदान अपने पिताजी के साथ बैठकर लड्डू बनाते थे और अब अपने बेटों के साथ पूरे जैसलमेर को लड्डू खिला रहे हैं। लेकिन अगर आप देर से पहुंचेंगे तो आपको ये लड्डू खाने को नहीं मिलेंगे। धनराजमण मल के इंडिया फेम लड्डू हैं घोटमा लड्डू, देसी घी में बने खोटमा लड्डू। वैसे तो बूंदी के लड्डू के नाम पर आमतौर पर लोग नाक भौं चढ़ाते हैं, लेकिन खोटमा लड्डू बेसन की इसी बूंदी को घोटकर ही बनाए जाते हैं। गर्मा गर्म बेसन की बूंदी को अब कढ़ाई से निकाला जा रहा है
और तैयारी की जा रही है घोटमा लड्डू को घोटने के पहले स्टेप की। बूंदी को मावा के साथ मिलाया जाता है और शुरू हो जाता है एक बार फिर घोटने का लंबा सिलसिला। ये है 80-90 किलो की कुंडी जिसमें एक बार फिर से घोटमा लड्डू को घोटा जाएगा। ये जो मूसल आप देख रहे हैं इसका वजन है 20 किलो। जी हाँ, अच्छी खासी मेहनत और मशक्कत का काम है घोटमा लड्डू बनाना। सड़क के बीचों बीच घुटते हुए लड्डू की खुशबू पूरे जैसलमेर में फैल जाती है। और देखिए ना, इन लड्डुओं का सुनहरी रंग जैसलमेर के रंग से कितना मेल खाता है, तभी तो इनका टेस्ट भी इतना सुनहरी होता है। और हम कह सकते हैं कि जैसलमेर वालों के दोनों हाथों में लड्डू हैं। While in Jaisalmer, you can relax at Hotel Gormang, which derives its name from the ornament that the camel wears around its neck. Hotel Gormang offers you a wide choice of restaurants which serve cuisines like Chinese, Continental, Indian, and it has a 24-hour coffee shop and bar where you can just cool off. The lifestyle of Jaisalmer is influenced by the desert culture, and so is the name of the Jaisalmeri hotel, the Gorband Palace. Gorband is a jewelry which decorates a camel, and the Gorband Palace is a jewel of Jaisalmer, a unique combination of decor and taste. The Gorband Palace has a 24-hour coffee shop with special festivals going on occasionally. And here is a feast at the Gorband restaurant. A buffet to suit all tastes, ranging from non-vegetarian meals to vegetarian delights, and the not-to-miss Rajasthani delicacies. The Gorband lunch is an ultimate experience of taste. Ji haan, zaike ke safar ki ek golden opportunity. Embroidered like a golden brocade is the architecture of the city of Jaisalmer. The city of wonderful havelis, balconies, cupolas and facades. Jaisalmer shines bright like a golden star in the firmament of heaven. Aur yahan ki haveliyon ki khasiyat hai ki aaj bhi wo basi hui hain. And a whole range of cultural activities flourish in these architectural heritages of Jaisalmer. जैसलमेर के रंग को देखकर तो ऐसा एहसास होता है जैसे यहाँ के लोगों में इसकी सुनहरी संस्कृति का रंग पूरी तरह से घुल गया है और जैसलमेर के जायके का सुनहरा रंग कभी भी फीका न पड़ने की कस्में खाता हुआ लोगों के दिलों में अपने स्वाद की जगह बनाता जा रहा है। जैसलमेर की झुमाने वाली धुनें पगड़ी की तरह बदलते रंग के साथ अपने तजुर्बे के एहसास को और साफ करती जाती है। And this is the real culture of the Golden City. Heat ghee in a handi. Add whole garam masala and stir it, so that the garam masala leaves a good smell in the ghee. Then add cumin seeds and saute them till they begin to crackle. Add chopped onions and keep frying it till the onions turn golden brown. Make a mixture of ginger paste, garlic paste, red chili paste, turmeric powder, coriander powder, and add to the above handi.
for 3 to 4 minutes. Add mutton. अब इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें, ताकि मसाले अच्छी तरह से मीट में मिल जाएं। Now add chopped ginger and green chili. Cook for 2 to 3 minutes. Add beaten up yogurt and fry it for another 5 to 6 minutes. Add water and cook until meat is tender. Add salt as required. Adjust the seasoning. Finish with garam masala powder and chopped coriander leaves. To garnish it, add chopped green coriander, ginger julienne, and fried whole red chilies. Lal mas is ready for you. Jaisalmer has many more secrets to reveal, but we'll dive into them after the break. When people visit Jaisalmer, what they look forward to most is seeing the sand dunes. 45 kilometers outside of Jaisalmer are these sand dunes, which have been at this height for numerous years. A short camel ride of only 15 minutes takes you to the highest point, and that gives you a panoramic view of the entire Thar Desert. The vast expanse of desert and the vastness of the desert culture. This is the story of the Sam Sand Dunes. दिन के समय एक वीराना सा एहसास दिलाता हुआ रेगिस्तान शाम होते ही चंचल हो जाता है, और फिर शुरू होती है सैम सैंड ड्यून्स की एक ऐसी शाम जो जैसलमेर के रंग को संगीत से भर देती है। ऊंट की सवारी और फिर दूर रेत के आंचल में ढलता हुआ सूरज। क्या आपका मन भी राजस्थानी धुन गुनगुनाने को नहीं करता? और जैसे जैसे सूरज की लाली रेत के समुंदर को छूती है, जैसलमेर का रंग सुनहरेपन से हटकर इंद्रधनुषी रंगों में बिखर जाता है, और सैम में लोगों के चहल पहल के साथ दिखाई पड़ते हैं इंद्रधनुषी रंगों में सजे संवरे लोग। रात रेगिस्तान को छूने आती है, पर तब तक तो रेगिस्तान की ये धुन लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी होती है, और जैसलमेर की वो शाम लिख चुकी होती है सैम सैंड ड्यून्स के नाम। In Rajasthani folk music, the Khar Taal is very important in keeping the beat and rhythm. We have with us Khasi Khan and Pardi, who are a popular player of folk music. Thank you.
विशाल लकड़ी के चार टुकड़े हैं, ये शीशम से बनता है, शीशम की लकड़ी से बनता है। इसको बजाने के लिए मेरे उस्ताद सिद्दीक खान ने इसको हमारी जाति में पहले लाए। ये पाकिस्तान में वो जब सिद्दीक खान रहते थे, जब उन्होंने कांवर भगत से उनके साथ वो गाना बजाना करते थे, कांवर भगत जी एक हाथ में दो टुकड़े वो बजाते थे और वो अपने हाथ से तंदूरा बजा के वो गाते थे। मेरे उस्ताद के दिमाग में अचानक आई कि मैं उसको दो हाथ से क्यों नहीं बजाऊं और मैं उसके रिदम उसके अंदर निकाल दूं और उसके ऊपर नृत्य से गाना गाऊं। फिर उन्होंने इस साज को लिया और उन्होंने हमारे मांगनेर जाति के अंदर लाए, तो उन्होंने वो बहुत फेमस हुए खड़ताल के अंदर। 85 में फर्स्ट इटाली गया था, हॉलैंड और फ्रांस के पेरिस में गया था, वहाँ पर मेजन दू कल्चर उन्होंने हमको ऑर्गेनाइजिंग किया था और फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंडिया वालों ने हमको सेंड किया था वहाँ पर। उसके बाद मैं 87 में 3 महीने रशिया के लिए गया, जहाँ 87-88 फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन रशिया उसके अंदर रहा था। उसके बाद 88 जापान गया, जब इंडियन क्लासिकल ग्रुप भी थे और हमारे राजस्थान के ग्रुप भी थे उसमें मैं था। उसके बाद जर्मनी, इंग्लैंड, इंडियन म्यूजिक विलेज, फिर फ्रांस, जो एक वर्ल्ड के ऊपर जिप्सी लोग हैं उनके ऊपर फिल्म बनी थी लक्षद्रुम, उसमें हमने काम किया था। फिर हमको वहाँ पेरिस बुलाया गया, तो पेरिस में ओपेरा गैरार्ड, जो एक वर्ल्ड फेमस प्लेस है, उसके अंदर हमारा प्रोग्राम रहा। उसमें 10-12 कंट्री के जिप्सी लोग थे, उनके साथ हमारा भी था। और वहाँ पर वर्ल्ड फेमस वायलिन प्लेयर यहूदी मेनन, जुबिन मेहता, वो हमको वहाँ मिले, जिनके साथ हमने प्रोग्राम किया, उन्होंने हमारा प्रोग्राम सुना और उन लोगों ने हमको इन्वाइट किया। नवंबर 18th-19th को हम लोग बेल्जियम ब्रुक्सेल जा रहे हैं, वहाँ पर भारत से रविशंकर जी भी हैं, वो लोग हमको इन्वाइट कर रहे हैं। खाने में तो ये फ़र्क लगा कि जैसे हम फ्रांस गए तो वहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट इंडियन हैं, हम उनके अंदर इंडियन रेस्टोरेंट में खाते भी हैं, बाकी हम उनको कहते हैं कि हम लोग थोड़ा फ्रेंच फूड भी थोड़ा खाना चाहते हैं। जिस देश जाते हैं वहाँ पर पहले हम वहाँ के देश का खाने को हम थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हमेशा इंडियन खाना तो खाते हैं और वहाँ का खाना भी थोड़ा देख लें। मगर हमको ये लगा कि चाहे कोई भी देश जाएँ, भारत का जो खाना और भारत का जो संगीत है, ये वर्ल्ड के अंदर एक अपनी छवि जमा चुका है। Ready to explore more of Jaisalmer, but after a short break. Welcome back. Just like Leela Majnu, Soni Mahiwal, Jaisalmer also has its eternal love story of Princess Momal and Prince Mahendra. Momal also happens to be the name of the tourist bungalow where the guests of the Palace on Wheels have a delightful cultural evening. राजस्थान यूं तो प्रदेश है रेत के टीलों और सुंदर हवेलियों का, परंतु संगीत ने तो यहाँ के बच्चे बच्चे पर एक जादू सा कर दिया है। हर तरफ संगीत का स्वर गूंजता रहता है और कोई भी सफर, चाहे वो जायके का ही क्यों न हो, बिना संगीत के पूरा नहीं होता। मूमल की उस रात की याद आज भी दिल को झुमा देती है, जिसे हमारे कैमरामैन ने बड़ी ही खूबसूरती से आपके लिए बटोरा है। तो आइए आज की शाम को मूमल की यादों के साथ रंगीन करते हैं। और मूमल के खाने का क्या कहना, सांगरी की सब्जी, रोटी और गर्मा गर्म घी, आ गया ना मुंह में पानी। मूमल की इस कल्चरल इवनिंग को सुर और स्वाद का अनोखा संगम कह लीजिए, खाने का खाना और गाने का गाना। मूमल का यह टूरिस्ट बंगलो बड़े ही ट्रेडिशनल राजस्थानी तरीके से बना है। झोपड़ियों से घिरा यह ओपन एयर डाइनिंग प्लेस शाम को रेत की हल्की हल्की खुशबू से और भी संवर जाता है। आ, 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 आ,
इसके साथ ही ढलती शाम के साथ पैलेस ऑन व्हील्स बढ़ती है अपने अगले पड़ाव की ओर, टू अनदर डेस्टिनेशन ऑफ द कल्चरल सिटी ऑफ राजस्थान। After an evening of Rajasthani folk music, dance, and food at Momal Hotel, it is now time to bid farewell to Jaisalmer and explore another destination on Palace on Wheels. छप्पन चटकारे हैं यार, लिप स्मैकिंग है, डेलिशियस है, एक से बढ़कर एक है यार, हर पल हर दिन नया नया ये स्वाद का सफर, हारा जाएंगे का सफर, हारा जाएंगे का सफर, हारा जाएंगे का सफर, हारा जाएंगे का सफर, अदल बदल कर ले लो जाएगा, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश का सफर, हारा जाएंगे का सफर, हारा जाएंगे का सफर।